राजस्थान के अजमेर शरीफ में बसी शरीफ दरगाह कहने को तो मुस्लिम धर्म के लोगों का तीर्थ स्थल है, पर इस दरगाह की मान्यता दुनिया भर में है। इस दरगाह में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का मकबरा स्थित है, जिन्हें हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। हर धर्म के लोग यहाँ माथा टेकने और चादर चढ़ाने आते हैं। मान्यता है कि एक बार इस दरगाह पर कोई मन्नत मांग ले, वो इंसान यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाता। अंग्रेजी लेखक कर्नल टॉड ने अपनी पुस्तक में दरगाह शरीफ का जिक्र करते हुए लिखा है कि मैंने हिंदुस्तान में एक कब्र को राज करते देखा है। दोस्तों, आइए जानते हैं दरगाह शरीफ से जुड़े दिलचस्प बातों के बारे में। अजमेर की दरगाह पर आने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती, जिन्होंने 1332 में यहाँ की यात्रा की थी। दरगाह में रोज नमाज के बाद सूफी गायक दरगाह शरीफ के महफिल में महफिल समा में अल्लाह को याद करते हुए कव्वाली गाते हैं। कहा जाता है कि एक साधारण पानी भरने वाले निजाम सिक्का नामक व्यक्ति ने एक बार यहाँ मुगल बादशाह हुमायूं को डूबने से बचाया था। निजाम सिक्का की मृत्यु के बाद बादशाह ने उनका मकबरा भी दरगाह के अंदर बनवाया था। दरगाह में सूफी संत मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की पुण्यतिथि पर 6 दिन का वार्षिक उत्सव उर्स मनाया जाता है। कहा जाता है कि ख्वाजा चिश्ती ने अपने आप को 6 दिन के लिए कमरे में बंद करके अल्लाह की प्रार्थना की थी। उर्स का उत्सव इस्लाम कैलेंडर के रजब माह की 1 से 6 तारीख तक मनाया जाता है। ख्वाजा साहब या फिर गरीब नवाज के नाम से लोगों के दिलों में बसने वाले महान सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का बुलंद दरवाजा इस बात का गवाह है कि मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और मुगल अकबर से लेकर बड़े से बड़ा हुक्मरान यहाँ पर पूरे अदब के साथ सिर झुकाए ही आया। ये दरवाजा इस बात का भी गवाह है कि ख्वाजा साहब सर्वधर्म सद्भाव की दुनिया में एक ऐसे मिसाल हैं जिसका कोई सानी नहीं है। हम आपको बताना चाहेंगे कि अजमेर शरीफ दरगाह में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जाकर अपने हाथों से चादर चढ़ाए थे। यहाँ पर बड़े बड़े हॉलीवुड व बॉलीवुड स्टार तथा बड़े बड़े नेता भी चादर चढ़ाने आते हैं, साथ ही वो मन्नत भी मांगते हैं। अजमेर शरीफ दरगाह के पश्चिमी दिशा में चांदी का चढ़ा हुआ एक खूबसूरत दरवाजा है जो जन्नती दरवाजे के नाम से प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि ये जन्नती दरवाजा साल में सिर्फ 4 बार ही खुलता है। अजमेर शरीफ के अंदर अकबर मस्जिद अकबर के द्वारा जहांगीर के रूप पुत्र रत्न की प्राप्ति के समय इस दरगाह का निर्माण करवाया गया था। अजमेर शरीफ दरगाह राजस्थान का बहुत ही पवित्र व धार्मिक स्थान है। यहाँ पर हजारों लोग आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं और इनकी मन्नतें पूरी भी होती हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक सूफी संत थे। इनका पूरा जीवन गरीबी में चला गया। अजमेर शरीफ दरगाह स्थान सभी के लिए एक पूजनीय व पवित्र स्थान है। हिंदुस्तानी इतिहास पर सबसे अमिट छाप छोड़ने वाले मुगल बादशाह शहंशाह अकबर पहली बड़ी हस्ती थे जो ख्वाजा के दरबार में पहुंचे थे। उसके बाद से तो मानो दुनिया भर में ख्वाजा के दरबार में पहुंचने की होड़ से मच गए। जहांगीर से लेकर शाहजहां तक, औरंगजेब से लेकर दारा शिकोह तक ने ख्वाजा के दर को बड़े फख्र से चूमा या फिर अपने नाम की चादर यहाँ भिजवाई। तारागढ़ पहाड़ी की तलहटी में स्थित दरगाह शरीफ वास्तुकला की दृष्टि से भी बेजोड़ है। यहाँ ईरानी और हिंदुस्तानी वास्तुकला का सुंदर संगम दिखता है। दरगाह का प्रवेश द्वार और गुंबद बेहद खूबसूरत है। इसका कुछ भाग अकबर ने तो कुछ जहांगीर ने पूरा करवाया था। माना जाता है कि दरगाह को पक्का करवाने का काम मांडू के सुल्तान ग्यासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। दरगाह के अंदर बेहतरीन नक्काशी किया हुआ एक चांदी का कटघरा है। इस कटघरे के अंदर ख्वाजा साहब की मजार है। ये कटघरा जयपुर के महाराजा राजा जयसिंह ने बनवाया था। दरगाह में एक खूबसूरत महफिल खाना भी है जहाँ कव्वाल ख्वाजा की शान में कव्वाली गाते हैं। दरगाह के आसपास कई अन्य ऐतिहासिक इमारतें भी स्थित हैं। धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाले लोगों को गरीब नवाज की दरगाह से सबक लेना चाहिए। ख्वाजा के दर पर हिंदू हो या मुस्लिम या किसी अन्य धर्म को मानने वाले सभी जियारत करने आते हैं। यहाँ का मुख्य पर्व उर्स कहलाता है जो इस्लाम कैलेंडर के रजब माह की 1 से 6 तारीख तक मनाया जाता है। उर्स की शुरुआत बाबा की मजार पर हिंदू परिवार द्वारा चादर चढ़ाने के बाद ही होती है। हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत के अलावा इंग्लैंड के महारानी व अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी यहाँ पर चादर चढ़ाए थे। इसके अलावा और भी कई सारे बॉलीवुड हॉलीवुड एक्टर्स व बड़े बड़े सिंगर्स भी यहाँ आते हैं, चादर चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं। ख्वाजा साहब की दुआ से सभी लोगों की मनोकामना पूरी भी होती है। तो दोस्तों, ये थे अजमेर शरीफ के रहस्य। क्या आप कभी गए हैं अजमेर शरीफ? आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।